जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, और आज जो हम नया सीखने वाले वो हैं न्यूमान को हम फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, सर्दियां आ चुकी है, अपना ध्यान रखिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखिए, और मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। आइए देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। अगर आपको न्यूमान के बारे में पता करना है कि क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से इसको पढ़ लेते हैं। हम आज की क्लास में सिर्फ न्यूमान को फिशर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले न्यूमान ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये लीजिए, ये हमने न्यूमान प्रोजेक्शन बना लिया और इनकी वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से फुलफिल कर दी। ये लीजिए, अगर इस तरह का न्यूमान आपके सामने है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। कैसी फॉर्म? एक्लिप्स्ड फॉर्म, ग्रसित, ठीक है, हिंदी में जिसे बोलते हैं। आपके सामने अगर ऐसा भी हो, ठीक है, देखिए ये जो सर्कल है, ये पीछे वाला कार्बन होता है और ये डॉट होता है जो फ्रंट कार्बन होता है। न्यूमान हमारा फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। ये लीजिए, ये जो दोनों फॉर्म मैंने बनाए हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं? एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, बोथ आर एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब बात करते हैं आगे। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा, ऐसा और ऐसा, अभी हम इनकी वैलेंसी सिंपल हाइड्रोजन से मेंशन कर रहे हैं। ये लीजिए, ये भी क्या है? न्यूमान प्रोजेक्शन है। और अगर आपको कुछ ऐसा, देखिए साइज बड़ा होता जा रहा है हमारा कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप इस डॉट से कोई भी बॉन्ड अरेंज करते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया, तो इसका मतलब है मैंने फ्रंट कार्बन को बनाया अभी फर्स्ट, ठीक है, और ये सर्कल जो है हमारा क्या है? बैक कार्बन। तो ये जो अभी मैंने ड्रॉ किए हैं, ये सारे के सारे न्यूमान प्रोजेक्शन है, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। ओके, ये तो हमने बनाए क्या? न्यूमान। चले आगे, ठीक है, ये एक्लिप्स फॉर्म और ये स्टैगर्ड फॉर्म। हम इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, क्या, कि जो न्यूमान है वो फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन, ऐसे। अब सुनिए, एक मिनट, ये देखिए, ये वाली जो ब्लैक बॉल है इसके जस्ट आगे इस वाली बॉल के, तो आपको बैक वाला बॉल दिखाई नहीं देगा ना। अगर मैं पीछे वाली बॉल की साइज बड़ी कर दूं तो दिखेगा, इसलिए पीछे वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो फ्रंट कार्बन है आगे वाला, ये हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे हम रो बनाते हैं, किसी भी कहीं पे भी रो बनाते हैं, जैसे प्रेयर के अंदर रो बनाते हैं, तो सबसे हाइट में छोटा आगे लगता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, सेम ऐसा ही है। फ्रंट कार्बन का साइज हमने छोटा कर दिया डॉट, और बैक कार्बन को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। चलें, ये न्यूमान प्रोजेक्शन है। अब सुनिए, हमें कुछ भी नहीं करना है फिशर में कन्वर्ट करते वक्त, कुछ भी। अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम जब भी न्यूमान बनाएंगे तो इस फॉर्म को बनाएंगे फिशर में कन्वर्ट करते वक्त, फर्स्ट वाली फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है, और हम इस पे ग्रुप अटैच कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे C2H5, ठीक है। ये क्या है हमारा? न्यूमान एक्लिप्स प्रोजेक्शन। मेरे को फिशर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फिशर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सुनिए, करना क्या है, ये जो फ्रंट कार्बन है हमेशा आपके आगे की तरफ जो है, ये डॉट जो है वो ये वाला कार्बन है, ठीक है, कौन सा वाला है? ये वाला कार्बन। अब सुनिए,
इस कार्बन के ये डॉट जो है राइट हैंड साइड पे क्या है, आयोडीन, इससे क्या अटैच है लेफ्ट हैंड साइड में, क्लोरीन, और इस पे नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। हो गया, इधर आइए, ये जो सर्कल है ये पीछे वाला कार्बन है, ये रहा, ठीक है, ये जो सर्कल है हम इसको ये मान के चलते हैं कि ये वाला कार्बन है। अब सुनिए, इस सर्कल से राइट हैंड साइड पे क्या लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मेंशन है, C2H5, तो यहाँ पे मैंने कर दिया C2H5, कोई प्रॉब्लम। अब क्या बच गया, ले देखिए, हमारे पास में CH3 बच गया, CH3 को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया है ये क्या है, ये इसको मैंने फिशर में कन्वर्ट कर दिया है बहुत इजी फॉर्म के अंदर, कुछ भी नहीं करना है हमें, सिंपल जैसा बताया वैसा करना है। हो गया, मान लीजिए हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है और कुछ ऐसा दे दिया उसने, हम कुछ नया एग्जांपल देख रहे हैं और इस एग्जांपल में इसने हमें क्या कर दिया, कुछ ऐसा एक्लिप्स्ड फॉर्म नहीं देके हमें न्यूमान का कुछ इस तरह से दे दिया, जैसे स्टेगर्ड फॉर्म दे दी, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये C2H5, और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है फिशर फॉर्म में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको इस वाले एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस वाले में, ऐसे, इस फॉर्म में करते, आइए देखिए, ये वाला नीचे की तरफ है कार्बन, तो पीछे वाले कार्बन पे जो भी ग्रुप हो उसको एज इट इज रखेंगे, तो पीछे वाले कार्बन पे जो भी ग्रुप है मैं उसको एज इट इज रख रहा हूँ, उस पर मैंने कोई भी वेरिएशन नहीं किया, कोई भी चेंज नहीं किया। ओके, हो गया। अब सुनिए, ये जो फ्रंट कार्बन है हमारा डॉट वाला, इसको मैं क्या करूँगा, 180 से रोटेशन दूंगा, देखिए कैसे, ये है, मैं इसको 180 से रोटेट करूँगा तो आयोडीन नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, मैं इसको रोटेशन दूंगा तो CH3 कहाँ, ये BR कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और सुनिए, यहाँ पे 180 से रोटेशन दूंगा तो CL आ जाएगा यहाँ, ठीक है। देखिए इधर इसका 180 ये होगा, BR का 180 इधर होगा और CL का 180 कहाँ होगा, इधर। तो यही किया है हमने, रेड से मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को इसे किस में कन्वर्ट करना है, फिशर फॉर्म में, तो अब मेरे लिए इजी रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका फिशर बनाऊँगा और फिशर बनाते वक्त मेरे को कुछ भी नहीं करना है, अब जैसा है वैसा का वैसा मेंशन कर दूँगा। देखिए, फिशर यही क्रॉस होता है, चलो ये बना, हाँ बना दिया हमने इसमें, ठीक है। अब सुनिए, ये जो रेड डॉट है आपका, रेड डॉट, ठीक है, ये आपका फ्रंट कार्बन है, तो ये रहा फ्रंट कार्बन, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, चलें आगे। ओके, ये जो है इस पे क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है, राइट हैंड साइड पे, ब्रोमीन कहाँ लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और नीचे क्या मेंशन है, आयोडीन। हो गया, ये जो सर्कल है ये बैक कार्बन है वो ये रहा, ठीक है, इस पे राइट हैंड साइड पे क्या है, हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, C2H5, अब बाकी क्या बच गया, CH3, ये मैंने मेंशन कर दिया। कितना सिंपल है, बस आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, पहले इसको इस वाले एक्लिप्स में कन्वर्ट करना है, देन हमको क्या बनाना है, फिशर बनाना है। चलो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमारे पास में कुछ ऐसा फिशर आ गया, सॉरी, अगर हमारे पास में न्यूमान कुछ इस टाइप का आ गया तो हम कैसे फिशर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, देखते, अभी हमने दो एग्जांपल लिए, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये लीजिए, यहां मैंने ला दिया क्लोरीन, यहां लगा दिया ब्रोमीन और यहां लगा दिया आयोडीन,
और इसी पे लगा दिया हाइड्रोजन, इसी पे लगा दिया CH3, इधर लगा दिया C2H5। ठीक है, पहले मैंने फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंट किया, देन मैंने बैक कार्बन रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपके सामने। इसका मुझे क्या बनाना है, इसका मुझे बनाना है क्या, बिल्कुल फिशर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बोल रखा है आपको, इस वाले एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे इस वाले एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये भी एक्लिप्स ही है। अब देखो करना क्या है, मैंने बोल रखा है इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं अलग अलग कलर से कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रंट कार्बन ये रहा, फ्रंट कार्बन ये रहा डॉट, इसको मैंने ये अपना क्या है ये वाला। ठीक है, अगर मैं इस Cl को ध्यान से देखिए, ये Cl है, ये इसको मैं 180 से रोटेशन दूंगा तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो Cl आ गया नीचे। ठीक है, इधर देखिए Br को अगर मैं रोटेशन दूंगा 180 से तो ये आएगा इधर। ठीक है, तो Br किधर आ जाना है, इधर। और आयोडीन को 180 से रोटेशन दूंगा तो ये इधर आ जाना है, इट इज आयोडीन। ठीक है, सिंपल नहीं आ रहा है तो इधर देखिए, सिंपल फॉर्म, Cl का अपोजिट ये हो गया, Br का अपोजिट ये हो गया और आयोडीन का अपोजिट ये हो गया, ये हमने मेंशन कर दी। चलें अब सुनिए, बैक कार्बन सर्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सर्कल से मैंने रेड बॉन्ड बना रखे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन को मैं इधर मेंशन करूंगा इसके 180 पे, ये C2H5 को इधर मेंशन करूंगा इसके 180 पे अपोजिट, और CH3 को इसके इधर अपोजिट साइड में मेंशन करूंगा। ये मैंने न्यूमान क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब चलते हैं, अब मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, फिशर फॉर्म के अंदर। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अब बहुत ईजी हो चुका है हमारे लिए। फ्रंट कार्बन ये रहा, इस पे राइट हैंड साइड पे क्या है, आयोडीन, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रोमीन और नीचे की तरफ Cl। देखिए समझ में आ रहा है क्या है, ये Br, ये I और ये Cl। चलें आगे। ठीक है, अब सुनिए, अब हमारा रह गया कौन सा, बैक साइड वाला सर्कल, ये सर्कल है ये वाला कार्बन। ठीक है, अब सुनिए CH3 कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे, C2H5 कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, और बाकी क्या बच गया, वो H लगा देंगे इधर। समझ में आ गया क्या, ये जो मैंने एग्जांपल लिए इनमें ये जो ग्रुप्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, XYZ कुछ भी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पैटर्न हमको फॉलो करना है वो मैंने बता दिया, तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, क्या इस वाले एक्लिप्स फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, हमारे कोई भी न्यूमान प्रोजेक्शन दे रखा हो उसको फिर हम फिशर में इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। अब सुनिए इधर ध्यान से देखिए, इस ग्रीन बोल के पीछे ये वाली ग्रीन बोल है, अगर मैं सिर्फ फ्रंट से दिखाऊंगा तो नहीं दिख रही ना, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ये देखिए समझ में आया क्या, इनके बीच में डाइहाइड्रल एंगल, अगर मैं बात करूँ इनके बीच में डाइहाइड्रल एंगल कितना है, तो 0 डिग्री है। समझ में आया क्या है, और जैसे ही हम इसको किस में बनाते हैं, जैसे मैंने ये बना रखा है, ये हमारा क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है। तो स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर न्यूमान की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिंक में एक डिस्क्रिप्शन है न्यूमान का, वहाँ पे वीडियो है, जाके देखिएगा अगर आपको देखना है इसके बारे में और जानना है। यहाँ आज की जो क्लास थी हमारी वो किसके बारे में थी, वो हमारी थी इन भाई साहब को इन भाई साहब के अंदर कन्वर्ट करना, यानी न्यूमान को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको मुझे कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।